वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी ऐसे पांच पौधों के बारे में जो बिना धूप के भी आपके घर में काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास में टेरेस नहीं है और ना ही उनके पास में बालकनी है। तो मैं आप लोगों को ऐसे पौधे बताऊंगी जो बिना धूप के भी आपके घर में काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लांट तो फ्रेंड्स मैं आपको पोथोस और मनी प्लांट के बारे में ही आपको सजेस्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी मनी प्लांट है और मैंने फ्रेंड्स इसे काफी टाइम से, जब से मैंने इसे ग्रोथ कर रखी है, मतलब कि जब से मैंने इन्हें ग्रो किया था अपने प्लांट में, काफी टाइम हो गया है, 2 या 3 साल हो गए हैं फ्रेंड्स से इसको लगाए हुए मेरे घर पर। तो इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही है और फ्रेंड्स इसकी जो पत्तियां हैं वो भी काफी अच्छी चल रही हैं। फ्रेंड्स इसे धूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, केवल सनलाइट अगर इसे थोड़ी सी मिल जाए तो ये काफी अच्छी ग्रोथ करती है। तो डीप मतलब डार्क लाइट, एकदम ही मतलब लाइट कम मिले तो भी ये ग्रो कर जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप आज मेरी मनी प्लांट में आपको पूरी दिखा देती हूँ कि मैंने इस तरीके से अपनी जो सीढ़ियां हैं वहां पर अपनी मनी प्लांट को ग्रो कर रखा है। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि मैंने इसे पूरे टेरेस तक इसको इस तरीके से, एक बेल है और उसके ऊपर मैंने डोरी से इसको इस तरीके से चढ़ा रखा है। तो फ्रेंड्स इसकी जो पत्तियों का साइज है वो भी आप देख पा रहे होंगे और इसके जो कलर्स हैं वो भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप इसे एक ऐसा स्पेस दे जहां पर इसको थोड़ी सी लाइट मिले। आप इसको खिड़की के पास में रख सकते हैं या फिर जहां पर थोड़ी सी भी सनलाइट आती हो वहां रख सकते हैं। फर्टिलाइजर में फ्रेंड्स इसको एनपीके आप हर 15 दिन में इसको शावर करें तो इसकी जो पत्तियां हैं उसकी चमक काफी अच्छी निकल कर आती है। और लगाने के लिए फ्रेंड्स इसको आप किसी चीज का सहारा दें, जैसे मैंने इसे रेलिंग पर अभी लगा रखा है तो इसकी पत्तियों का जो साइज है वो धीरे धीरे करके काफी अच्छा बड़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी एक डोरी की सहायता से इसको ऊपर चढ़ा रखा है फ्रेंड्स। तो देखिए इसकी पत्तियों की जो डिजाइन है और जो साइज है वो आपके सामने है फ्रेंड्स, कि ये एक डोरी पर चढ़कर ही काफी अच्छी मजबूती से चढ़ रही है और इसकी पत्तियों का साइज भी बड़ा हो रहा है। एनपीके से इसकी पत्तियों की ग्रीननेस काफी अच्छी निकल के आती है। तो फ्रेंड्स ये हुआ मनी प्लांट, आप इसे लगा सकते हैं, पोथोस को लगा सकते हैं फ्रेंड्स। पोथोस भी काफी अच्छे ग्रो करता है और इसकी जो कलर है वो एनपीके 19:19 बैलेंस फर्टिलाइजर की वजह से ही इतनी चमकदार पत्तियां मेरे पास में है। अब दूसरे प्लांट की बात करूं फ्रेंड्स, तो दूसरा प्लांट भी यहीं पर रखा हुआ है और ये है अरेका पाम। अरेका पाम के पास मेरे पास में फ्रेंड्स 3 प्लांट हैं, 2 प्लांट तो फ्रेंड्स यहीं पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इन्हें काफी बांध के रखा है क्योंकि ये सीढ़ी पे रखा हुआ है और फ्रेंड्स तो सीढ़ी पे आते जाते फ्रेंड्स इसकी जो ब्रांचेस है वो टूट ना जाए, इसलिए मैंने इन्हें काफी टाइट बांध के रखा हुआ है। और फ्रेंड्स इससे ऐसा भी होता है कि जब हम इसमें पानी का शावर करते हैं तो इसमें पत्तियां बंदी होने के कारण इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहती है और ये इसके लिए काफी हेल्दी रहता है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने ये चाइनीज अरेका पाम परचेस किया था फ्रेंड्स, तो ये भी यहीं पर रखा हुआ है और मैंने इसे भी छोटे से पॉट में ग्रो करके रखा है फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास में एक विंडो है और यहीं पर काफी अच्छी सनलाइट मिलती है इसे, तो ये यहीं पर ग्रो हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों का कलर भी काफी अच्छा है। तो एनपीके में इसमें देती हूँ, शावर करती हूँ और इसकी मिट्टी में भी थोड़ा सा देती हूँ फ्रेंड, तो काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है और ग्रीननेस काफी अच्छी बनी हुई है। इसके बाद में फ्रेंड बात करें अगर तीसरे प्लांट के बारे में, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव और महंगा आता है। तो फ्रेंड्स ये है एग्लोनीमा की कटिंग्स, मैंने इसकी वीडियो आपके साथ में शेयर की थी फ्रेंड्स। तो मैं इसको मॉइस्चर बनाए रखने के लिए मैंने इसको पॉलीथीन से कवर करके रखा है फ्रेंड्स, ताकि बारिश नहीं हो रही है और इस टाइम पे कटिंग काफी अच्छी ग्रोथ होती करती है। तो मैंने इसे इस तरीके से पॉलीथीन में कवर करके रखा है ताकि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखे और इसकी कटिंग काफी जल्दी ग्रो हो जाए। तो फ्रेंड्स एग्लोनीमा की जो कटिंग होती है उसको ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स, अगर गर्मी में आप ग्रो करते हैं तो इस तरीके से आप पॉलीथीन से कवर करके रखें। ऊपर से मैंने इसे इस तरीके से खुला इसलिए रखा है फ्रेंड्स कि ज्यादा ओवर मॉइस्चर ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसे कोकोपीट और सैंड में लगा रखा है तो ओवर मॉइस्चर के कारण से ये गल जाएगी, इसमें फंगस लग जाएगी, तो इसलिए एक तरफ से इसे खोल के रखा है। अगर आप पूरा पैक करके रखते हैं तो फिर 2 या 3 टाइप से फ्रेंड्स इसमें बारीक बारीक से छेद कर दें ताकि इसमें हवा का आना जाना लगा रहे, मतलब एयर सर्कुलेशन होता रहे, तो इसमें आपको कटिंग्स काफी अच्छी ग्रो होगी। तो मैं इसे ज्यादा हिलाऊंगी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि कटिंग ग्रो नहीं होगी अगर हिल जाएगी तो। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए मैंने छोटी सी मनी प्लांट को ग्रो करके रखा है,
और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप मनी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं बिना किसी झंझट के, तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी रूट्स निकल रही है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी छोटी सी रूट्स निकल के आ रही हैं सब दूर से। तो आप इतने एरिया को आप फ्रेंड्स मिट्टी में इस तरीके से दबा दें और फिर उसकी जो ग्रोथ हो जाए तब फिर आप इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दें। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको मनी प्लांट को इजीली ग्रो करना बताऊंगी फ्रेंड्स। और पोथोस के बारे में भी, पोथोस के प्लांट अभी मेरे पास है नहीं फ्रेंड्स, तो मैंने ऑनलाइन परचेसिंग की है और वो जब भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपके साथ में जो ऑनलाइन शॉपिंग की वीडियो है वो भी शेयर करूंगी और मनी प्लांट कैसे ग्रो करना है उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स तीन प्लांट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ चौथे प्लांट के बारे में। तो चौथा प्लांट फ्रेंड्स जेजे प्लांट है। इसकी प्रोपोगेशन मैंने आपको बताई थी कि बहुत इजीली तरीके से हो जाती है और ये नीचे से बल्ब बनाते हैं और इसमें से ही इसकी फिर नई न्यू शूट निकल कर आती हैं और ये बहुत सारे से पप्स निकल के आते हैं और ये बहुत ही बुशी हो जाता है। तो इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स और इसकी केयर भी बहुत आसान है, इसे ज्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आप इसको शेडी एरिया प्रोवाइड कीजिए। मिट्टी भी इसको एग्लोनिमा की तरह ही बनाई है क्योंकि इसे मॉइस्चर पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है फ्रेंड्स, तो इसे पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है और धूप भी इसको नहीं चाहिए होती है। आप सिर्फ इसे सनलाइट दीजिए जैसे एग्लोनिमा को देते हैं आप और मनी प्लांट को देते हैं वैसे ही, पर ये थोड़ा महंगा आता है जैसे एग्लोनिमा आता है फ्रेंड्स। एक बार अगर आप इसे लेकर आएंगे तो फिर आप इसे पत्तियों से इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो ये आपके गार्डन में बहुत सारे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास में धूप या टेरेस या बालकनी नहीं है तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स हम क्लाथिया की। तो फ्रेंड्स ये क्लाथिया अर्बिफोलिया है मेरे पास में और इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही है, मैं दिखाऊं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये क्लाथिया अर्बिफोलिया है फ्रेंड्स और इसे भी मॉइस्चर काफी पसंद होता है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होती, तो काफी अच्छे चल जाता है ये हमारे गार्डन में और इसकी पत्तियों का साइज भी काफी बड़ा होता है। टाइम टू टाइम अगर ये आपको नीचे से पर्व्स भी देता है तो आप इसे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। इसके नीचे रूट्स काफी पतली होती है फ्रेंड्स, काफी छोटी छोटी सी होती है, इसके नीचे भी बल्ब होते हैं जेजे प्लांट की तरह। तो फ्रेंड्स इसे भी कम पानी दीजिएगा और आप अपने गार्डन में इसे ऐड जरूर कीजिएगा क्योंकि ये फ्रेंड्स कम लाइट और कम पानी में चलने वाला बहुत ही प्यारा पौधा है, मुझे ये काफी पसंद है फ्रेंड्स और इसके कलर और डिजाइन भी काफी पसंद है। इसमें आपको दो या तीन कलर और मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने गार्डन में इस तरीके का एक कलर और ऐड करूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपने गार्डन में इन पांच पौधों को अगर ऐड करेंगे तो आपके गार्डन भी काफी खूबसूरत दिखेगा। अगर आपके पास में टेरेस नहीं है और ना ही बालकनी है जहां पर आपको धूप मिल सके, आपके पौधों को धूप मिल सके, आप रख सकते हैं। तो इन पांचों पौधों को अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं और इनकी ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा वाटरिंग की भी इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आप इन पौधों को घर पर लाइए और आप अपने गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर किसी नई प्लांट की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।